Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. अभी तक जो हमारी पुलिस की तफ्तीश में मुझे ये बात अच्छी आया है वो सही नहीं है। फाइनेंस कंपनी है एस के फिनकॉर्प, उसकी हाउस लोन ले रखा था बुद्धि प्रकाश ने। बुद्धि प्रकाश के हाउस लोन के ऊपर एस के फिनकॉर्न कंपनी उसके उस हाउस को सीज करने के लिए गई, और सीज करने के बाद में सील चेपा पूरा घर करने के बाद में करीबन एक बजे पौने एक बजे वो पूरी कार्रवाई करके वापस आ गई। उसके घर के मुख्य द्वार को उन्होंने सील किया, वापस आ गई। करीबन थानाधिकारी ये बता रहे हैं कि करीबन मेरे को 6 बजे 5:30 पौने 6 बजे मेरे को ये खबर मिली एसडीएम साहब रूपनगढ़ की तरफ से कि जिस घर को फाइनेंस कंपनी वालों ने सील किया है उस घर में उसके एक कमरे के अंदर एक बच्ची, छोटी बच्ची करीबन 11-12 महीने की, वो अंदर रह गई है। तो उसके ऊपर तत्काल रूपनगढ़ SHO वहाँ मौके पर गए। उस टाइम बच्ची की अंदर से आवाज़ आ रही थी, SHO भी गए, SDM रूपनगढ़ भी गए, और उस सील चेपे को ताले को तोड़ करके उस बच्ची को बाहर निकाला गया। ठीक थी वो, उसके उपरांत भी उसको इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया, और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है और कल उनके खिलाफ में हम निर्णय चालान का अब जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ है जान को जोखिम में डालना, उपेक्षापूर्ण प्रथा, और जान को जोखिम में डालने का, जीवन को संकट में डालने का। बच्ची अभी स्वस्थ है और अपने माँ के अपने परिवारजनों के पास में सुरक्षित है।